हेलो दोस्तों, खटारा बाइक रिपेयरिंग में स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इसमें कमी क्या है कि मैं बता रहा हूँ कि टाइपिट सेट करना है, और टाइपिट सेट करना है इसमें, और कैसे करें, कितना प्ले रखें, ये सब हम बताएंगे। ये जैसे हमारे टाइपिट कवर है, बोल्ट खोल लिए हैं, इसको हम निकालेंगे। ये हमारी निकल गई, और जो है कि ये हमारी दो रॉकर है, ये इंटॉर्क है। इंटॉर्क में जो है ना दो रॉकर होते हैं हमारी, और नीचे जो है एक होते हैं, नीचे ये एक होते हैं, एक ऊपर में दो होते हैं। तो ये हमारी ऐसे पूलर है, ये करीब हमारी 3 mm का है। इसके मात्रा में इतने ही गैप रखेंगे ये, ताकि ये प्ले इतने ही रहे, वाल हमारा सही चले और प्रेशर बने, वाल हमारे दबे, इतने ही गैप रखेंगे जितना ये ब्लेड का है। 3 mm का है ये। थोड़ा हमारा ये पुराना सा औजार है, काफ़ी पुराना है, इसलिए इस पे mm का जो माप है, जो लिखा हुआ था mm, तो वो हमारी ख़त्म हो चुकी है। पकड़ ना, ये देखिए इसमें खैर दिख नहीं रही है ना, ये देखिए 3 mm के करीब है। ये देखिए 3 mm, देखिए अब ये 3 mm का गैप होती है। इसके मदद से इसमें जो हम बनाएंगे, ये देखो, ये देखो, ये जो है ना इसकी वाल में, यहाँ पे हम लगा के और चेक करेंगे कि कितना गैप है। मोबाइल देखो दोस्तों, इस तरीके से हम कर रहे हैं, ये देखो, ये देखो रोशनी, ऐसे इसी के बराबर हमें प्ले चाहिए, तो हमारी कंप्रेसर ठीक रहेगी और गाड़ी चलेगी। तीनों में इतने ही गैप रखेंगे, देखो हम माप रहे हैं, देख रहे हैं हम इस तरीके से माप रहे हैं, देखिए इतने ही हम तीनों में रखेंगे। टाइपिट सेट करेंगे, टाइपिट सेट करने के बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, अगर जिसमें प्ले हो जाए उसको हम पूलर लगा के अब ऐसे जो है हम थोड़ी सी लूज कर लेंगे, है ना, इसकी मदद से थोड़ी इसमें जगह कम होती है, इसके कारण जो है ना थोड़ी दिक्कत होती है सेट करने में, मगर घबराए ना, प्रेम से स्थिर से इसको सेट करें। इसी के मदद से हम तीनों का सेट करेंगे, हमारी स्टार्टिंग बहुत अच्छी रहेगी, है ना, न रोकर टाइपिट में आवाज भी आएगी है। कभी कभी रॉकर के बोल्ट भी प्लेट आती है, वो भी देखना पड़ता है, मगर हमारी रॉकर के बोल्ट ठीक है। फिर हम दोबारा थोड़ा सा प्ले है उसको बराबर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, चार बोल्ट लगा दो। देखो दोस्तों आवाज इसकी, टाइपिंग का आवाज नहीं आ रही है।